ने बद्दी बरूटीवाला नालागढ़ में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ आबकारी और माइनिंग विभाग का काम भी कर रही है। बता दें कि बद्दी पुलिस अवैध माइनिंग माफियाओं और अवैध शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। बद्दी पुलिस क्षेत्र को अपराध मुक्त के साथ साथ अवैध माइनिंग और अवैध शराब मुक्त करने में भी अग्रसर चल रही है। ये कार्रवाई जिला बद्दी पुलिस के कप्तान मोहित चावला के नेतृत्व में हो रही है। पुलिस ने अब तक अवैध माइनिंग में इस्तेमाल 135 वाहनों को जब्त कर लिया है, जबकि जिसमें कि पोकलेन, जेसीबी, टिप्पर और ट्रैक्टर शामिल हैं। इन वाहनों से खनन अधिनियम के तहत 21,46,300 रुपए का जुर्माना भी वसूल लिया गया है। माइनिंग में इन्वॉल्व है वो कानून की गिरफ्त है कि माइनिंग ऐसी समस्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन आपस में बना रहना चाहिए और बना भी हुआ है। जहाँ तक पुलिस की बात है, हम यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, हमें परफॉर्म करना है। कुछ एरियाज में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने अपनी टीम को स्पेशल डायरेक्शन दी। उसी में हमने जब लास्ट ईयर माइनिंग सेल की टीम ने अच्छा काम किया, हमने इस साल जनवरी में माइनिंग सेल 2 दो टीम्स बनाई और दोनों टीम्स अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। अच्छा काम है, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के लोगों को एक विश्वास जमा है और वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हमको इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है और माइनिंग की टीम वहाँ पहुँचती है। बेशक आधी रात की बात होती है, दे आर एक्टिंग, ये अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं और इसके फलस्वरूप आज तकरीबन 135 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी जो जेसीबी या पोकलेन जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उन्हें हमने सीज किया है। 21 लाख के आसपास रिकवरी है, 4 FIR भी दिए हैं और इसी गति के साथ हम लगे रहेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि पब्लिक को भरोसा हुआ और वो हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मैंने इनको अपने SHOs को यही डायरेक्शन दी है कि जब भी इन्फॉर्मेशन आए पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करें एंड फील्ड में काम पुलिस के द्वारा किया जाना समझ आना चाहिए कि पुलिस उसमें तत्परता से लगी हुई है।